हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बताने वाले हैं न्यूट्री ब्लेंड को रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं। तो अभी हमारे पास वंडरशिप कंपनी के न्यूट्री ब्लेंड है। सबसे पहले इसको हम चेकिंग करके दिखा देते हैं इसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको मैन पावर पर लगा के ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम इसमें सप्लाई दिए हैं, इसकी जो मोटर है वो चालू नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जिस जगह निशान लगी हुई है इसके अंदर में यहाँ पर स्विच लगे हुए रहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे टेस्टर से भी प्रेस करके देखते हैं, मगर इसकी जो मोटर है वो चालू नहीं हो रही है, ये पूरी तरह से बंद पड़ी है। तो इसी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए वीडियो बनाए हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर इसको बैक साइड से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे रबड़ लगे हुए हैं इसके अंदर में स्क्रू लगे हुए रहते हैं, तो इसको हम टेस्टर से ओपन करते हैं। इसकी जो कवर है इसको भी ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वायरिंग की जो कनेक्शन है उसको हम ओपन कर देते हैं। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले इसकी वायर को चेकिंग करना है, कहीं तो इसकी जो वायर है वो ख़राब तो नहीं है, तो इसके वजह से भी इसमें सप्लाई नहीं पहुँच पाता है। तो सबसे पहले हम इसकी वायर को चेकिंग करते हैं, चाहे तो आप इसको कंटिन्यूटी से भी चेकिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इस वायर को सीरीज पावर में चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल और फेस को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। वायर की जो कंडीशन है वो सही है, इस वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो सप्लाई आ रहा है, मगर इसकी जो मोटर है वो चालू नहीं हो रहा है। तो इसको हम पूरा ओपन करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे तीन स्क्रू लगे हुए हैं साइड साइड में, इसको हम ओपन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस वायर को अलग कर देते हैं। तो इसको बैक साइड से हमने पूरा ओपन कर दिया है। उसके बाद इसको हम ऊपर के साइड से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इस कपलर को ओपन करना है। ये जो कपलर है वो थ्रेडिंग की कपलर है, तो इसको हम लेफ्ट साइड से घुमा के ओपन करते हैं। तो इसकी जो कपलर है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर साइड साइड में रबड़ लगे हुए हैं, तो इसको भी ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह रबड़ लगे हुए थे तो उसके अंदर में यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं। तो इसमें जो स्क्रू थे उसको हमने ओपन कर दिया है। उसके बाद इसकी जो मोटर है उसको ओपन करते हैं। तो इसकी जो मोटर है उसको डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर सकते हैं, तो पूरा सेट इसको थोड़ा लेफ्ट राइट घुमा के ओपन करना है। इसकी जो मोटर है उसको आप इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी जो मोटर है वो ओपन हो चुका है। तो इसको हम चेकिंग करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले इसकी जो आर्मेचर है यहाँ पे साइड साइड में दो कार्बन से लगे हुए हैं, तो इसको हम चेकिंग करते हैं। तो इसकी जो कार्बन है यहाँ पर सही से सप्लाई दिखा रहा है। उसके बाद हम इसमें न्यूट्रल और फेस को लगा के देखते हैं। तो इसकी जो मोटर है इसमें दो वायर लगे हुए हैं, एक जो है न्यूट्रल है और दूसरा जो यहाँ पे फेस है। तो इसकी जो मोटर है उसको हम चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रो स्विच लगे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे हाथ से इसको प्रेस करते हैं। तो इसमें अभी कोई भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी जो मोटर है उसको हम अभी डायरेक्ट चेकिंग करते हैं। तो इसकी जो मोटर है वो रनिंग होना स्टार्ट हो चुका है, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो स्विच लगे हुए हैं इसको माइक्रो स्विच बोलते हैं, तो इसकी जो स्विच है वो ख़राब हो चुका है। तो अभी हमारे पास ये नया वाला स्विच है। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम हो तो इसकी जो स्विच है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जो स्विच है वो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये जो स्विच है अगर आपके पास इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो गई है और नया वाला भी स्विच नहीं है आपके पास, तो इसको आप रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी जो माइक्रो स्विच है उसको आप रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं तो वो भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जो स्विच में जो कवर है छोटा सा, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। इसको बहुत ही सावधानी से ओपन करना है। तो इसको हम यहाँ पे टेस्टर से इसकी जो कवर है उसको हम ओपन करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्विच की जो सप्लाई की जो पिन है वो यहाँ पे मेल्ट होकर चिपक गई है, क्योंकि ये इसको हम ऊपर से इसको प्रेस कर रहे हैं, मगर यहाँ पे जो सप्लाई की जो पिन है वो ठीक तरह से इसमें सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे टेस्टर से अलग कर देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सही हो चुका है। स्विच की जो कवर है उसको हम लगा देते हैं वापस से। तो इसको हम चेकिंग करके भी दिखा देते हैं, पहले कैसा इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था, तो अभी हम वापस से इसमें न्यूट्रल और फेस को लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो स्विच है वो ठीक हो चुकी है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो बहुत ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसकी जो स्विच है कभी कभी कैसा होता है वो पूरा जल जाता है, रिपेयरिंग की कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन में इसको आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो इसकी जो स्विच है अभी तो ठीक हो चुका है, तो इसको हम वापस से फिटिंग कर देते हैं। तो इसकी जो मोटर है उसको हम लगा देते हैं वापस से, ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी जो वायर है उसको अंदर के साइड से इसको बाहर निकालना है। इसकी जो मोटर है उसको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, तो इसकी जो मोटर है उसको लगा देना है पहले। उसके बाद यहाँ पे जो मोटर के जो प्लेट है उसको थोड़ा लेफ्ट राइट करके घुमाना है। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगाने के जो ऑप्शन है तो उसको सीधा देख के लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्विच है उसको भी यहाँ पे प्रेस करके देखना है। कभी कभी कैसा होता है इसकी जो स्विच है वो ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो जब भी आप इसको फिटिंग करेंगे तो सबसे पहले इसकी जो स्विच है उसको चेकिंग कर लेना है। उसके बाद इसकी जो बैक साइड में जो कवर थे उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। इसकी जो कनेक्शन है बहुत ही आसान है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस को लगा देना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर आपके पास इसकी जो कैपेसिटर हो मेल्ट हो चुका है तो इसको आप बिना कैपेसिटर से भी चला सकते हैं। तो इसमें हम टेप को लगा देते हैं। तो इसकी जो वायरिंग है अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में जो कवर लगे हुए थे उसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे चार स्क्रू लगे हुए थे रबड़ के साथ में, तो इसको भी लगा देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए थे उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे नीचे के साइड से पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो साइड साइड में रबड़ लगे हुए थे उसको भी लगा देते हैं। तो इसकी जो कपलर है वो थोड़ा ब्रेक हो चुका है, तो इस कपलर को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी जो कपलर है वो थ्रेडिंग के कपलर है, तो इसको हम राइट साइड से घुमा के लगाते हैं। इसकी जो स्विच है यहाँ पे हम इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको बेस बोलते हैं। तो इसकी जो कंटेनर है उसको कुछ इस तरह से लगाना है इसको। उसके बाद यहाँ पे इसको लगा के ऑन करते हैं।
तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसकी जो कंटेनर है उसको लगाना है, उसको अच्छी तरह से यहाँ पे लॉक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो सप्लाई की जो स्विच है उसको ऑन करना है, नहीं तो कभी कभी कैसा होता है इसके जो कंटेनर है उसको लगाते हैं तो इसमें जो कपलर्स लगे हुए हैं वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसके जो कंटेनर है उसको लगा लेना है, उसके बाद इसमें जो सप्लाई की जो स्विच है उसको ऑन करना है। तो इस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आने के कम चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना।